Hi everyone, this is Ruchi and welcome back to yet another video. So guys, in today's video I'm going to talk about a haircare range from the brand called Ruwa R U W W -A, a. So this is again very new, unknown brand. इतना जानते uh, nahi हैं log is brand ke बारे mein. Mujhe bhi nahi pata tha. But मैंने अगेन इसके Facebook पे कहीं पे तो इनके कुछ products देखे थे and I was like कि हाँ check करते हैं किस तरह के products हैं because मुझे तो हमेशा new products लाने होते हैं आप लोग के सारे review share करने होते हैं. So these आर द टू प्रोडक्ट्स एक है शैम्पू एक है हेयर ऑयल बहुत ही सुंदर इस तरह की पैकेजिंग में आते हैं बट एनी हमें पैकेजिंग से कुछ खास लेना देना नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए तो ये है ट्रेडिशन एंड नेचर इन अ बॉटल रुवा हेयर ऑयल आयुर्वेदिक सर्टिफाइड है हाई प्योर ऑर्गेनिक इन्ग्रीडियंट्स हैं एन्वायरमेंट फ्रेंडली है सस्टेनेबल ओके okay, तो दिस इज देयर ऑयल यू कैन सी ऑलरेडी मैं इसे यू, मैंने यूज करा है इसे पाँच छह बार अभी तक और ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है इको सर्टिफाइड इन्ग्रीडियंट है सिलीकोन फ्री है जी एम पी सर्टिफाइड तो दिस इज एक्चुअली प्योर कोकोनट ऑइल ऐसा ये क्लेम करते हैं इत, इसके साथ ही इटह वेटिवर एंड सैन्य मेथी दाना आई I मीन mean, मेथी दाना काफी अच्छा होता है हेयर ग्रोथ के लिए एंड वेटिवर भी एक इनग्रीडियंट है जो इसके अंदर है ठीक है प्राइस इसका है यह आपको 200 के अराउंड बहुत आसानी से मिल जाता है 165 सिक्सटी की क्वांटिटी है और uh, शेल्फ लाइफ इसमें आपको दो साल की मिलती है टू इयर्स uh, वेटी स्ट्रेंथन द हेयर फॉलिकल्स एंड आई एड्स इन हेल्दी ग्रोथ ऑफ द हेयर हाई प्रोटीन कॉन्टेंट इन फेनिकल्प फाइट हेयर फॉल एंड ट्रीट अ वेराइटी ऑफ स्कैल्प इश्यूज लाइक ड्राइनेस ऑफ हेयर बालनेस एंड हेयर थीनिंग रेगुलर यूज ऑफ हेयर ऑयल रिजल्ट इन डीपली नरिश्ड स्कैल्प एंड हेयर रूथ्स एक और बहुत अच्छी बात है कि इस हेयर ऑयल को आप ना डिफरेंटली यूज़ कर सकते हो एक तो डेफिनेटली आप शैम्पू से पहले से यूज़ कर सकते हो एंड इसे आप प्री इसे आप पोस्ट वॉश पोस्ट हेयर वॉश भी यूज़ कर सकते हैं हल्का सा स्ट्रैंड पे एज अ सिरप तो ये बहुत यूनिक बात है और दो महीने मैंने इसे पोस्ट शैम्पू को अभी तक नहीं यूज़ करा बिकॉज मुझे वो साउंड ही कुछ खास नहीं करा तो मैंने इसे पहले ही यूज़ करा है इट्स अ ग्रेट हेयर ऑयल आई वु से इट हैज़ वेरी नाइस हर्बल फ्रेगरेंस क्योंकि इसके जो इन्ग्रीडियंट्स हैं ना वो काफ़ी हर्बल है और अभी बात करते हैं माई बेनि माई एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स क्या मुझे मैंने देखे देखो मुझे ऑल एंड ऑल हेयर ऑयल काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि एक तो सबसे पहले बहुत ही स्टिकी एंड ग्रीसी नहीं है जैसे बहुत सारे हेयर ऑयल क्लेम करते हैं लेकिन स्टिल वो काफ़ी ग्रीसी ऑयली होते हैं इस तरह का नहीं है स्टिकी नहीं है ऑल्सो वन थिंग फ्रेगरेंसेस की बहुत अच्छी है बट अगे इन फ्रेगरेंस भी उतना मैटर नहीं करती हेयर uh, बहुत स्मूथ हुए हैं इसको यूज़ करने के बाद दैट्स व्हाट आई हैव फेल्ट बहुत स्मूथ आई मीन मैंने बहुत बार कहा है कि मेरे हेयर थोड़े से डेंस है इनको कॉम करना आसान नहीं होता बहुत, बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं फ्रिजी हो जाते हैं और फिर ब्रेकेज होता है बट ये हेयर को इतना स्मूथ बना देता है कि हेयर कॉम करना बहुत आसान हो जाता है आई मीन फ्रिज फ्री बनाता है हेयर को सो दैट इज वट आई हैव सीन आफ्टर फोर फाइव टाइम्स ऑफ यूज चापा डिपार्ट मैंने यूज है तो आई रियली फील्स क्वाइट प्रोमिस प्रोडक्ट लाइक आप कंसीडर कर सकते हैं एंड इट इट इज इज अफोर्डेबल सेकेंड प्रोडक्ट की बात करते हैं ये है रुवा का शैम्पू इट जस्ट ओपन इट एंड दिस इज द शैम्पू का बहुत ही अच्छी कुछ इस तरह की स्टॉडी बॉटल में आता है इसके अंदर आपको मिलता है अमरन थर्स कोड कोडा ठांडू की राई शायद यह कोई हर्बल इंग्रेडिएंट है डेली केयर रिजूवनेटिंग शैम्पू इट इज़ थ्री हंड्रेड एम एल की क्वान्टिटी इसमें आपको मिलती है प्राइस आपको ये तीन सौ के अराउंड मिल जाता है समटाइम्स उससे भी थोड़ा कम में ओके अगेन क्वाइट अफोर्डेबल नाउ गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत सारे जो शैम्पू क्या करते हैं ना कि स्कैल्प uh, को एक तो अच्छे से क्लेंस नहीं करेंगे दूसरा अगर क्लेंस करेंगे भी तो आपके जो स्कैल्प uh, uh, है उसके जो नेचुरल यू नो ऑयल्स हैं या नेचुरल प्रोटीन है उसको भी स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं अपने साथ तो uh, ये क्या करता है पी एच स्कैल्प के पीएच को बैलेंस करता है सबसे पहले रियली ग्रेट जेनेटिक क्लेंजेज योर हेयर एंड वन मोर थिंग इट ऑल्सो मेक्स योर हेयर फुलर थी हेल्थियर ओके सो नाओ लडजस्ट टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट तो मैंने अगेन इसे पाँच से, से छः बार अच्छा छः सात बार यूज़ करा है शैम्पू को uh, सबसे पहले नाइट हैज़ वेरी नाइस हर्बल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस जो मैंने फील किया कि मेरा uh, बहुत अच्छा लैदर क्रिएट होता है और बहुत अच्छे से जो आपका स्कल्प है वो क्लीन होता है अब बहुत सारे लोग का ये भी क्वेश्चन होता है कि स्कल्प क्लीन हुआ नहीं हुआ पता कैसे करें देखो क्या होता है कि अगर आपका स्कल्प अच्छे से क्लीन ना हो ना तो यू वुड फील दैट कि हल्का सा ग्रीसी से स्टिल है स्टिल हेयर वॉश करने के बाद भी आपके थोड़ा आपको ग्रीसी फील होंगे थोड़ा सा हैवी फील होंगे बहुत अच्छे से क्लीन करता है हेयर को एंड इसके साथ साथ आई हैव सीन कि यू नो हेयर को थोड़ा सा वुड से कि हेल्दी बनाता है हेयर के टेक्सचर को काफ़ी हेल्दी बना देता है ये एज टोलू कि हेयर को काफ़ी स्मूथ कर देगा उसको हेयर का टेक्सचर बहुत अच्छा कर देगा स्पीटेंट्स वगैरह को कम कर देगा तो ऑल एंड ऑल मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है ये प्रोडक्ट भी तो यू कैन ट्राई इट आउट सो या दोनों के दोनों प्रोडक्ट काफ़ी प्रॉमिसिंग है अगर आप कुछ अफोर्डेबल ढूंढ रहे हैं हेयर है केयर के लिए uh, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो एक्चुअली इफेक्टिव भी हो तो आप इन दोनों को कंसीडर कर सकते हैं एंड दिस वाज माय ऑनेस्ट रिव्यू गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग